चेतन, जीव, ब्रह्म, सेल्फ, सोल, स्पिरिट, ढेर सारे शब्द हैं। व्याकरण की दृष्टि से अतति गच्छति परिणमति इति आत्मा, अत सातत्य गमने, सतत गमन जारी रखने वाली वस्तु आत्मा है। ये गत्यर्थाः ते ज्ञानार्थाः धातवः। और जितनी धातुएं संस्कृत में रूट्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, गमन के अर्थ में प्रयुक्त होती है, वो जानने के अर्थ में भी प्रयुक्त होती है। और गमन परिवर्तन के रूप में भी होता है, स्थान से स्थानांतरण के रूप में भी गमन है, और एक ही स्थान पर रहकर बदलने का नाम भी गमन है, क्योंकि बदलना भी एक प्रकार की गति है। जगह नहीं बदल रहे हैं लेकिन अपने आप को बदल रहे हैं, तो वो भी एक गमन है। और इसलिए एक व्यक्ति जब ऑफिस में बैठता है, उसका प्रमोशन होता है, तो कहते हैं प्रगति हुई है, प्रगति, गति, गमन है वहाँ भी, गति है। तो आत्मा सतत जानती है, सतत बदलती है, कभी रुकती नहीं। इस अपेक्षा से ये आत्मा शब्द, आत्मा के विषय में बहुत सारी कल्पनाएं हैं लोग में। आत्मा एक फूंक जैसी कोई वस्तु है, एक अंगूठे के बराबर कोई वस्तु है, एक अणु के बराबर कोई वस्तु है, विश्वव्यापी कोई वस्तु है, या फिर इस शरीर में ही है, कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है, ऐसी अनेक अनेक प्रकार की धारणाएं हैं आत्मा के विषय में लोगों की। इसमें हलचल ही रहती है, और आत्मा शब्द से कुछ लोग डरते भी हैं, कहीं किसी सुनसान खंडहर वगैरह में चले जाएं तो लगता है कि यहाँ कोई आत्मा आत्मा ना हो, लग गई तो मुश्किल हो जाएगी, घबराते भी हैं। और फिर अपने अंदर भी कहते हैं कि हाँ मेरे अंदर भी कोई आत्मा है, जब मौत होगी तो वह आत्मा फूंक के समान उड़ जाएगी, चली जाएगी, वो कहीं से कहीं चली जाएगी, मुझे तो लोग जला देंगे, ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की धारणाएं हैं आत्मा के विषय में। फिर एक शब्द आता है जीव। 5वीं शताब्दी के एक महान विद्वान आचार्य ने सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ में लिखा है, जीवति जीविष्यति जीवित पूर्वो वा जीवः। जो जी रहा है, भविष्य में जीने वाला है, और अतीत में जी चुका है, यानी जो त्रिकाल में जीवित रहता है, उसे जीव कहते हैं। अब इस परिभाषा को सुनकर या इस वर्णन को सुनकर शंकाएं उत्पन्न होगी, फिर मरता भी तो है जीव, मौत भी तो होती है जीवों की। अब वो मौत दोनों प्रकार से हो सकती है, अपनी मौत मरता है कोई, और कोई मारा जाता है, कोई असमय में खुद अपने को मार डालता है, अलग अलग तरह से मरते हैं लोग। तो जीव मरता तो है। फिर वो आचार्य कह रहे हैं कि जो
जी चुका, जी रहा और जीने वाला है वो जीव है। तो इसमें समाधान यही हो सकता है कि ये जीव सिर्फ जन्म से मरण तक सीमित नहीं होगा। यदि जन्म से मरण तक ही इसका अस्तित्व हो तो फिर जिएगा ये कैसे बन सकता है और जी चुका ये कैसे बनेगा। मतलब ऐसा लगता है कि जीवन की तो सीमा हो सकती है, और उस जीवन की दृष्टि से सोचने पर लगता है कि हाँ, किसी की मृत्यु होने पर वो जीव मर गया, वो जीव उस जीवन से मरा है, उसका अस्तित्व मिट गया हो, ऐसा नहीं है उन आचार्य के अभिप्राय से। अभी अपन यहाँ कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, अपन सिर्फ विचार कर रहे हैं। जीविष्यति यानी यहाँ मरने के बाद भी वो वहाँ जिएगा कहीं ना कहीं जा करके। फिर भूतकाल में भी जो जी चुका है, जी चुका है इसका मतलब जी चुका है, समाप्त हो गया, लेकिन नहीं, आज कह रहे हैं कि अभी भी जी रहा है वो। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि अलग अलग जीवन एक ही जीव जीता है। जीवन नष्ट हो जाता है लेकिन जीव नष्ट नहीं होता। जीव मर गया ऐसा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि उस जीवन से मर गया। और फिर बोलचाल में भी कहते हैं ना, जैसे किसी जमाने में जयप्रकाश नारायण जी थे, उनका जब इंतकाल हुआ तब अखबारों में समाचार छपे थे, जयप्रकाश नारायण इज नो मोर, अंग्रेजी में ऐसा छपा था, हिंदी में छपा था नहीं रहे, नहीं रहे। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ रहते थे वहाँ नहीं रहे। एक तो ये अर्थ हो गया, और दूसरा अर्थ ऐसा हो सकता है कि जय प्रकाश नारायण नहीं रहे। अब जय प्रकाश नारायण का मतलब उनके जन्म से मरण तक का जो उनका नामकरण, एक स्थायी नाम रख दिया था जीवन भर के लिए, वो व्यक्तित्व नहीं रहा। वो व्यक्तित्व किसका व्यक्तित्व था? वो जिसका व्यक्तित्व था वो चला गया। इसलिए ऐसा भी कहते हैं कि जब उनका मरण हुआ तो लोगों के मुख से निकला चल बसे। और भी बहुत स्थानों पर ये शब्द प्रयोग में आता है चल बसे। चल बसे का भी अर्थ बड़ा रहस्यपूर्ण है। चल यानी चले गए, और बसे यानी जो यहाँ बसे हुए थे कहीं और बस गए। क्योंकि ऐसा होता है कि जब मरण होता है तो फिर वो जो मान्यता है पुनर्जन्म वाली, उसके अनुसार ये जीव अन्यत्र बस जाता है। आचार्य विद्यासागर महर्षि ने एक बार 1989 में कहा था, व्हाट इज डेथ, व्हाट इज डेथ, कुंडलपुर की बात है, जस्ट ए चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस। भले ही ये भाषा विज्ञान की भाषा ना हो, लेकिन हो सकता है इसमें कोई विज्ञान छुपा हो जो अभी तक अपने खोजने पर न मिला हो और कभी मिल जाए। विज्ञान हाउ एंड वाई को कहते हैं। हाउ कैसे, वाई क्यों, इन दो सवालों का जिस विधा में
जवाब दिया जाता है उसका नाम है विज्ञान। हैमलिन बुक्स आती थी तो उसमें द हैमलिन बुक ऑफ हाउ, द हैमलिन बुक ऑफ वाई, ऐसी बुक्स निकलती थी। तो हाउ और वाई जो है वो विज्ञान से रिलेटेड है। तो अभी तक जो विज्ञान काम कर रहा है वो बहिर्विज्ञान है, हाउ एंड वाई। सारे विश्व में जितनी बारीक बारीक चीज़ें हैं उनकी खोज जारी है। और कोई अंतर विज्ञान भी होगा, मनोविज्ञान कहते हैं कुछ लोग, पर उससे भी कोई गहरी चीज़ हो सकती है। और वहाँ जाकर संभवतः योगियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने कुछ पाया जिसको वो ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान, निजानुभव, आत्मानुभूति, स्वसंवेदन, ऐसे शब्दों से व्यक्त करना चाहते रहे। बात तो है, कोई ना कोई बात है ये। इसको अपन कल्पना भी कह सकते हैं। अपन पर जो उस जगत में जा चुके हैं, जैसे उपनिषद में आता है नायम आत्मा प्रवचनी ने उपलब्ध है, यह आत्मा प्रवचन से प्राप्त करने योग्य नहीं है, न मेधया बुद्धि से प्राप्त करने योग्य नहीं है, न बहुना श्रुतेन बहुत से शास्त्रों द्वारा भी इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये नायम उपलब्धस्ततोयम उपलब्ध है, जिसको ये प्राप्त हुई है उससे प्राप्त होती है। तो ये प्राचीन शास्त्रों की बातें धुएं में लट नहीं मानी जा सकती। उसका कारण है असत्य तब बोला जाता है जब अपना कोई स्वार्थ हो अथवा असत्य तब भी बोला जाता है जब अपने को किसी चीज की जानकारी ना हो और फिर भी जबरन बोल रहे हैं। बिना जाने बोलने पर असत्य बोल जाते हैं और स्वार्थ होने पर भी जानबूझकर असत्य बोलते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान, आत्मानुभूति आदि जो भी इससे रिलेटेड बातें हैं, इससे संबंधित बातें हैं, इसका विवरण करने वाले जो ऋषि मुनि महर्षि जो भी हुए हैं, ज्ञानी जन, उनके जीवन को देख करके ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने दुनिया को उल्लू बनाकर मजा लेने के लिए ऐसी बातें लिखी हो। और हम ये भी नहीं कहते हैं कि वो कहीं चूके नहीं होंगे, मनुष्य इंसान है, भगवान के सिवाय कोई भी चूक सकता है। तो हो सकता है चूके हों, लेकिन फिर भी अपन खोज जारी रखें ना। समस्या तब आती है जब अपन निर्णय तक पहुंचने की उतावली करते हैं, शॉर्टकट निकालते हैं और सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी मुझे फैसला मिल जाए। जब न्यायालयों में भी जल्दी जल्दी फैसला नहीं मिलते तो फिर ये तो अध्यात्म जगत है। हो सकता है एक चीज को समझने में अनेक बरस निकल जाए। जैसे आत्मानुभूति,
इस शब्द के विषय में हम व्यक्तिगत अपने बारे में बताएं तो फिर ऐसा लगता है कि इसका अर्थ हमें लगता है 9 साल में समझ में आया। 9 साल की अवधि साधारण नहीं है और निरंतर अध्ययन और साधना करने के बाद भी 9 साल में समझ में आया तो कोई मायने रखती है ये बात। इसलिए इस विषय पर अभी हम आज बोलने की हिम्मत कर रहे हैं, वरना हम तो चुप रहते हैं, क्योंकि जिस विषय का हमें परिचय नहीं है उस पर बोलने का अधिकार भी नहीं है। और इतनी खोज करने के बाद, सबकी धारणाओं को खुले दिमाग से सुनने के बाद, उनके अभिप्रायों को समझने के बाद, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक संप्रदाय की बात हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ज्ञान के द्वार को बंद कर देने से ज्ञान का विकास संभव नहीं है। और यदि मनोबल कमजोर है तो फिर ज्ञान के द्वार खोल करके भी मनुष्य भटक सकता है। इमोशनल हो गया, किसी की बातों से प्रभावित हो गया तो फिर उसके पीछे लग जाएगा। यहाँ पर पीछे लगने की बात नहीं है। एक आचार्य अमृतचंद्र सूरी जी हुए, 1000 साल पहले की बात है, उन्होंने समयसार कलश के 34वें काव्य में लिखा है, विरम किम अपरेणा कार्य कोलाहलेन स्वयं अपने भृत सन पश्य षण मास मेकम। रुक जा हे प्राणी, रुक जा। तुझे व्यर्थ के कामों से और उन कार्यों के कोलाहल से क्या लाभ हो सकता है? इस समय तू जहां भी, जैसे भी, जो भी कर रहा है, रुक। तुझे क्या मिलने वाला है उससे? ऐसा वाक्य है कि एकदम थम जाता है व्यक्ति और विचार करने पर लगता है कि बात वजनदार है। विरम, रुक, विराम ले। अपरेण, अकार्य कोलाहलेन किम, न करने योग्य काम का कोलाहल मचाकर क्या मिल सकता है तुझे? स्वयं अपिनिवृत्तः सन, आत्मनिर्भर हो जाओ, फालतू के कामों से अपने चित्त को हटा ले। एकम पश्य, एक को देख। षण मासम पश्य, 6 महीने तक देख। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये है कि मान लो जीव जन्म जन्मांतरों से भटकता चला रहा है। जैसे डॉक्टर ब्रायन वाइस पुनर्जन्म को मानते नहीं थे, लेकिन जब उसके एक पेशेंट को, एक कोई बहन थी, कैथरीन उसका नाम था, हिप्नोथेरेपी दे रहे थे, पूछा कि कब से तुम्हें ये तकलीफ हो रही है, और डीप रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, तो अंत में 86 जन्मों तक के उसने बता दिया। तब डॉक्टर को लगा कि कोई चीज़ है जो इस जीवन से बाहर भी अपना अस्तित्व बरकरार रखती है, और तब उसकी धारणा टूट गई कि कोई जीव
सिर्फ इसी जीवन तक सीमित होता है। पहले भी बहुत से जीवन जी चुका है, आगे भी जीने वाला है। ये बात डॉक्टर को महसूस हुई। अब इसके आगे और देखते हैं क्या है। जैनम जय तुशासनम, जैनम जय तुशासनम, जैनम जय तुशासनम।